हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे में यूज होने वाले फिश प्लेट के बारे में जानेंगे। ये क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनका क्या यूज है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रेलवे से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। दोस्तों, रेलवे ट्रैक जिस पर एक के बाद एक स्पीड में दौड़ती हुई ट्रेनें जाती हैं, इस बात से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ट्रैक को कितने मजबूती से बनाया गया होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, इतने लंबे लंबे रेलवे ट्रैक कई पार्ट में जोड़ जोड़ कर बनाए जाते हैं और उनकी अलाइनमेंट इस तरह से की जाती है कि हर जगह दूरी समान हो। दोस्तों, इन रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के प्लेट का यूज किया जाता है, जिसे कि फिश प्लेट बोला जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब फीस का मतलब कि मछली, मतलब यह प्लेट एक मछली की जैसी होती है। यह फीस प्लेट दो अलग अलग रेल को वर्टिकल और होरिजेंटल पकड़ कर रखता है, ताकि दोनों पटरी के बीच गैप को मेंटेन रखा जा सके। दोस्तों, रेलवे में यूज होने वाले फीस प्लेट का स्ट्रेंथ 5.58 से 6.51 टन की होती है। इंडियन रेलवे में चार तरह के फीस प्लेट यूज किए जाते हैं। पहला है स्टैंडर्ड फीस प्लेट, दूसरा है जॉगल्ड फीस प्लेट, तीसरा है स्पेशल फीस प्लेट और चौथा है कॉम्बिनेशन फीस प्लेट। अब बारी बारी से इनके बारे में समझते हैं। स्टैंडर्ड फीस प्लेट का यूज जनरली हर जगह होता है। यह सी लेटर के जैसे चैनल के शेप के होते हैं, जिसमें दो होल रहती है, जिससे कि दो फीस प्लेट को ट्रैक के अंदर और बाहर लगाकर चार बोल्ट से ज्वाइंट कर दिया जाता है। दूसरा है जॉगल्ड फीस प्लेट। ऐसे फीस प्लेट का यूज आमतौर पर टूटे वेल्डेड रेल या फ्रैक्चर रेल को इमरजेंसी में रिपेयर के लिए किया जाता है। स्पेशल फीस प्लेट, दोस्तों ऐसे फीस प्लेट का यूज वहां किया जाता है जहां पर रेल ट्रैक दो ब्लॉक सेक्शन में डिवाइड होते हैं। इसके लिए दोनों ट्रैक को इंसुलेटेड करके इस फीस प्लेट से जोड़ दिया जाता है, जिससे दोनों ट्रैक को आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। इनका इंसुलेशन कई तरह से किया जाता है, जैसे कि लकड़ी से, नायलॉन से या ग्लूड से। कॉम्बिनेशन फीस प्लेट, ऐसे फीस प्लेट का यूज दो अलग अलग रेल के सेक्शन को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि दो अलग अलग सेक्शन से रेल के रूट आए और ऐसे रूट को जोड़ने के लिए कॉम्बिनेशन फीस प्लेट का यूज किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में आपने रेलवे में यूज होने वाले फीस प्लेट और उनके टाइप के बारे में जाना। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।